अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। ब्रिज कोर्स जमात हफ्तों मज़मून जनरल साइंस टेस्ट नंबर 3। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के इस वीडियो में हम जमात हफ्तों के साइंस के तीसरे टेस्ट से मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। अरे बच्चों, ये है हमारा जमात हफ्तों का साइंस का तीसरा टेस्ट ब्रिज कोर्स का। आइए हम हल करते हैं इसको। सवाल नंबर 1 है, मंदरज झेल सवालात के जवाबात एक जुमले में लिखिए। पहला सवाल है, निज़ाम शमशी में सूरज के सबसे करीबी सैयारा कौन सा है? तो इसका जवाब है, निज़ाम शमशी में सूरज के सबसे करीबी सैयारा अतारुद है। नंबर 2, निज़ाम शमशी में सबसे बड़ा सैयारा कौन सा है? इसका जवाब है, निज़ाम शमशी में सबसे बड़ा सैयारा मुश्तरी है। नंबर 3 सवाल है, हयाती ज़िंदगी वाला वाहिद सैयारा कौन सा है? हयाती ज़िंदगी वाला वाहिद सैयारा ज़मीन है। नंबर 4 है सवाल, सुर्ख सैयारा किस सैयारे को कहते हैं? सुर्ख सैयारा मिर्रीख को कहा जाता है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये थे हमारे चारों एक जुमले के सवालात जिनके हमने यहाँ पे जवाबात दर्ज किए हैं। अब बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर 2, हर एक की दो मिसालें लिखिए। नंबर 1 है जहरावी नबातात, उसकी दो मिसाल आएगी, आम और जासुंदी। नंबर 2 है गैर जहरावी नबातात में आएगा काई, फर्न और है मनी प्लांट। सवाल नंबर 3 है, सही मुतबादिल का इंतखाब करके जुमला मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर हमें दो मुतबादिल दिए हुए हैं, यहाँ पे खाली जगह दी हुई है, इसमें से यहाँ पर एक लफ्ज़ हमें लिखना है। मकना 30 के 00 कुतबैन में कशिश का अमल होता है, तो यहाँ पर आएगा गैर मुशाबा कुतबैन में कशिश का अमल होता है। नंबर 2, निकल धात 00 है, मकनातीसी है या गैर मकनातीसी है? तो निकल धात जो आएगी वो क्या है, मकनातीसी है ना। यहाँ पर अब बढ़ते हैं हम आगे। 3 नंबर पर, सोना और चांदी इन धातों के तार बनाए जाते हैं, धात की इस खसूसियत को 00 कहते हैं, वरक पजीरी या तार पजीरी कहते हैं? तो यहाँ पर इसमें से ये ऑप्शन यहाँ पर आएगा, तार पजीरी। तो ये थी हमारे 3 सही मुतबादिल का इंतखाब करके जुमले हमने यहाँ पर मुकम्मल किए। अब बढ़ते हैं आगे। नंबर 4 खानापुरी है, यहाँ पर जो गिज़ा हैवानात से हासिल होती है इन गिज़ाओं को 00 कहते हैं, नबाती अशिया या हैवानी अशिया? तो इसका जवाब आएगा, हैवानी अशिया। अब है सवाल नंबर 4, मदरज़ेल काम अंजाम देने के लिए किस आले का इस्तेमाल करोगे? यहाँ पर हमें 4 आले दिए, चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, इन चीज़ों को, इन कामों को करने के लिए हम किन आलों का इस्तेमाल करेंगे? नंबर 1 है सब्ज़ी काटने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे बच्चों, छुरी का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 कपड़ा सीने के लिए सुई का इस्तेमाल करेंगे। लकड़ी काटने के लिए करवत / आरी का इस्तेमाल हम करते हैं। नंबर 4 है ट्रक में बड़ा ड्रम रखने के लिए तख्ते का इस्तेमाल करेंगे हम। अब बढ़ते हैं हम आगे सवाल नंबर 5 पर, मंदरज़ेल मिसालों में तवानाई की कौन सी शक्ल है? दिए हुए मुतबादिल से सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। नंबर 1 है रोशनी की, यहाँ पे हमको कॉस में दिया हुआ है, रोशनी की तवानाई, आवाज़ की तवानाई, हरारती तवानाई, तवानाई बिलकवा, इन तवानाई को यहाँ पे हमको फिल करना है दिए गए कामों पर। बुलंद आवाज़ की वजह से खिड़कियों की कांच पिचक गए, तो क्या आएगा इसमें, आवाज़ की तवानाई। नंबर 2 है सूरज की रोशनी में नबातात अपनी गिज़ा बनाते हैं, तो कौन सा आएगा इसमें, रोशनी की तवानाई यहाँ पर आएगा।
फिर उसके बाद में बंद में जमा शुदा पानी, जहाँ पे हम पानी जमा करते हैं तो उसको कहा जाता है बंद। तो बंद में जमा शुदा पानी उसको कहेंगे हम तवानाई बिल कवा, क्या आएगा यहाँ पे तवानाई बिल कवा। फिर उसके बाद में आएगा ईंधन के एहतराक से खाना पकाया जाता है, यहाँ पे आएगा हरारती दवानाई, इसमें से क्या आएगा हरारती दवानाई। तो पहले में आएगा आवाज़ की तवानाई, दूसरे में आएगा रोशनी की तवानाई, बंद में जमा शुदा पानी में आएगा तवानाई बिलकवा, और ईंधन के इतराक से खाना पकाया जाता है तो इसमें आएगा हरारती तवानाई। तो यहाँ से हमने इसको हल किया इस सवाल को। अब बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर 6, मंदरजैल अशिया रोशन है या गैर रोशन पहचानिए। नंबर 1 है किताब, आपको पता है किताब कैसी होती है, गैर रोशन होती है। अगर हम किताब में से आर पार की चीज़ें देखें तो हमको दिखाई नहीं देगा, अंधेरा दिखाई देगा, इसके लिए गैर रोशन है। फिर उसके बाद में सूरज है रोशनदार, पेन है गैर रोशन, जलती हुई मोमबत्ती कैसी है रोशन। अब बढ़ते हैं हम आगे, सवाल नंबर 7, मंदरजैल ढांचे की मदद से इस जानदार का नाम लिखिए। यहाँ थोड़ी प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पर जानदार का हमें नाम लिखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये आएगा मेंढक, और ये वाला जो ढांचा दिखाई दे रहा है उसमें आएगा बगला। अब बढ़ते हैं हम आगे, सवाल नंबर 8 है, मंदरजैल तस्वीर में आपको क्या नज़र आता है, आप इसको रोकने के लिए क्या तदाबीर करोगे। देखिए यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है, इस तस्वीर में एक जो शख्स है वो कान पर हाथ रखा हुआ है, और बाजू में यहाँ पर देखिए 2 लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, और हॉर्न यहाँ पर हमको सिग्नल दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और ये ट्रेन आती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर बहुत सारी गाड़ी मोटर दिखाई दे रही है, तो जिसकी वजह से फैक्ट्रीज दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, तो सबकी क्या हो रही आवाज़ों की वजह से इस शख्स ने कान पर अपने हाथ रखा हुआ है। तो देखिए तस्वीर में रेलगाड़ी है, लाउड स्पीकर है, हवाई जहाज़ है, देखिए ऊपर हवाई जहाज़ भी यहाँ पे, और गाड़ियों की मुसलसल आवाज़ और शोर की वजह से सोती आलूदगी हो रही है जो हमारे कानों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। अब इसको रोकने के लिए क्या तदबीर इख्तियार करेंगे हम। नंबर 1 है जहाँ मुनासिब हो वहीं हॉर्न का इस्तेमाल करें, यानी हमें जब लगता है कि हॉर्न देकर हमारा काम होगा आगे का तभी हम उसको हॉर्न दें, तो बेजा हॉर्न का इस्तेमाल हमें बंद करना चाहिए। नंबर 2 है रेडियो और टेलीविज़न की आवाज़ हमें कम रखना चाहिए, जो हम कर सकते हैं जैसे कि रेडियो और टेलीविज़न अगर हम घर में इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो साउंड है उसका वॉल्यूम है उसको हम हमेशा कम ही रखना चाहिए। तो ये थे हमारा इसका जवाब। अब बढ़ते हम आगे सवाल नंबर 10 पर, यकसा खत्ती हरकत और गैर यकसा खत्ती हरकत माँ मिसाल के वाजे कीजिए। पहले हम लेंगे यकसा खत्ती हरकत, किसी शय की इकाई वक्त में तय किया हुआ फासला जब मुसलसल मसावी होता है तो उस हरकत को यकसा खत्ती हरकत कहते हैं। यकसा खत्ती हरकत की जो मिसाल आएगी परेड करने वाले जवानों की हरकत, आप देखे होंगे जो परेड करते हैं फौजी या आर्मी के जो लोग होते हैं पुलिस होते हैं, या हम भी 15 अगस्त वगैरह 26 जनवरी पर परेड करते हैं, तो परेड करने वाले जवानों की जो हरकत होती है वो मिसाल होती है यकसा खत्ती हरकत की। अब बढ़ते हम आगे, गैर यकसा खत्ती हरकत, किसी शय के इकाई वक्त में तय किया हुआ फासला जब मुसलसल बदलता है तो शय की इस हरकत को गैर यकसा खत्ती हरकत कहते हैं। अभी हमने यहाँ पे यकसा में देखा था कि जब फासला मुसलसल मसावी होता है और यहाँ पे हमेशा बदलता रहता है, तो इसके लिए यकसा खत्ती हरकत यानी जो फासला होता है मसावी होता है हमेशा और यहाँ पे मुसलसल बदलता रहता है। इसकी मिसाल थी परेड करने वाले जवानों की हरकत, और इसकी मिसाल आएगी फिसल कुंडी पर फिसलने वाले बच्चे, है ना, जो फिसलंडी होती है हमारी फिसल कुंडी पर, फिसल कुंडी पर फिसलने वाले बच्चे, गैर यकसा खत्ती हरकत की ये मिसाल थी। तो अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, ये था हमारा जमात हफ्तुम के जनरल साइंस का ब्रिज कोर्स का टेस्ट नंबर 3। हम उम्मीद करते हैं आपको इस टेस्ट से मुतालिक मज़ीद मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक का अल्लाह हाफिज़।